हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास ये F1D का एक 3000 यू मॉडल है बनने के लिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3000 यू मॉडल है बनने के लिए। ये मैंने बनाया था 11/11/2013 को बनाया था। ये इसमें प्रॉब्लम है, सेट कभी ऑन होता है और कभी ऑन नहीं होता है, या फिर ऑन अगर हो जाएगा तो आवाज़ देने पे ये सेट स्टैंड बाय में चल जाएगा। मॉडल आप देख सकते हैं, तीन हजार यू है। ये मॉडल है, इसे खोल के इसको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये इसका पावर सप्लाई है, निकाला है इसके अंदर से, और मैं इसका पावर सप्लाई रिपेयर करता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने लाइन दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, अभी वोल्टेज मेरा -14 वोल्ट है और प्लस भी 14 वोल्ट है, आ रहा है सप्लाई, लेकिन ये फिर बंद हो जाएगा, आएगा और बंद हो जाएगा। जैसे ही चलेगा आवाज़ देगा, उसका रीड पावर सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। इसका पावर सप्लाई प्राइमरी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसका प्राइमरी रिपेयर करता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या इसमें काम किया है। मैंने इसका कुछ सामान निकाला है दोस्तों। ये देखिए, ये मॉस्फेट है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 103 PF है, और ये IC है 3027 GT3027। GT3027 ये IC है, और ये देखिए मैंने यहाँ से पूरा सब निकाल दिया है। इसे आप ये देखिए, मैंने यहाँ से सारा निकाल दिया है, कंडेंसर भी निकाला है, अभी वो कंडेंसर उधर है। मैं ये सब नया लगा देता हूँ इसके पावर सप्लाई में। मैंने ये सामान निकाल लिया दोस्तों, ये 33/400 वोल्ट का, ये 18/818, और मॉस्फेट मैंने 7N65 लिया है देखिए, और 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 103 PF है। मैं इसे कंप्लीट लगा लेता हूँ, और ख़राब वाला इधर आप देख सकते हैं, कंप्लीट इसमें लगा लेता हूँ। इसमें निकला हुआ है, इसमें लगा के फिर मैं इसे लाइन देके ऑन करता हूँ। मैंने सारा लगा दिया दोस्तों, ये देखिए 11/11 की जगह 10 ओम मैंने लगा दिया है। यहाँ पर 103 PF मैंने निकाला था मॉस्फेट, और IC लगा दिया है, और कंडेंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए IC मॉस्फेट, और ये आपको PF देखिए यहाँ लगा हुआ है कंडेंसर के सटे हुए, और ये कंडेंसर मैंने लगा दिया है। और मैं इसे अब लाइन देके एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने लाइन दे दिया दोस्तों, ये आप मैंने अभी रखा है, देखिए मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, 14 वोल्ट प्लस, और ये 14.34 माइनस सप्लाई आ रहा है।
अब मैं इसे सेट पे लगा लेता हूँ। उसके बाद मैंने पावर सप्लाई कस दिया दोस्तों अंदर में। ये देखिए सेट मेरा चालू है अभी। रेडी, देखिए मैं इसे बंद भी कर देता हूँ। देखिए रेड इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और इसका बटन भी सारा ख़राब है। ये बटन भी चेंज होगा क्योंकि ये काम कुछ और कर रहा है। दाब रहा हूँ सोर्स तो उल्टा पुल्टा काम करता है। वॉल्यूम का एलईडी ग्लो करने लगता है, काफ़ी समय हो जाता है ने के कारण ये इसके माइक्रो स्विच में कुछ ख़राबी आता है। तो मैं इसे बदल देता हूँ। इसका माइक्रो स्विच भी मैंने बदल रहा है दोस्तों। सारा का सारा देखिए ख़राब है। और ये इसका सी यू एस बी सॉकेट देखिए, ये जंक लग गया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इस सॉकेट को भी बदल देता हूँ। देखिए मैंने अंदर से भी निकाला है इसे, इसके पिनों को सारा निकाला है और यू एस बी सॉकेट कबाड़ के नया लगाना है। और इसमें माइक्रो स्विच पूरा नया लगा देना है। इसमें कुछ दोस्तों और भी कुछ प्रॉब्लम है। मैंने करेक्शन तो सारा कर दिया है, ये मैं अभी लाइन दे रहा हूँ। ये देखिए एक बार आता है फिर ये स्टैंड बाय ग्लो नहीं करता, इसको ग्लो करते रहना चाहिए। देखिए अभी ये दोनों एलईडी जल गया, ये दोनों एलईडी नहीं जलना चाहिए। जब मैं स्टैंड पर छुड़ाऊँ तो जलना चाहिए। इसमें यही प्रॉब्लम है, या तो इसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया है या फिर इसका मेमोरी आईसी। क्योंकि मैं इसे स्टैंड बाय, देखिए स्टैंड बाय दबाया तो ये एलईडी कभी जलता है कभी बुझता है। फिर मैं स्टैंड बाय से ऑन करूँगा, देखिए अभी ऑन हो गया है। अब मैं इसे यूएसबी मोड में ले जाता हूँ, ये सोर्स मोड है। देखिए अब ये स्टैंड बाय बल्ब भी जल गया, ये भी बोल दीजिए, ये स्टैंड बाय बोल नहीं चलना चाहिए इसका। इसमें कुछ इसके यूएसबी में कुछ प्रॉब्लम है। इसका यूएसबी का मैंने आईसी का नंबर लिखा है, इसमें 2506C है। मॉडल भी मैंने लिख दिया है, आईसी का नंबर है इसका। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो देखिए 2506 है, इसे लाइन एक बार काट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ATS 2506C है, ये इसका नंबर है प्रोसेसर का। मैं इस पर सॉफ्टवेयर चढ़ा के भी एक बार देखता हूँ। सॉफ्टवेयर पर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक बार ईप्रोम चेंज करूँगा। ये देखिए दोस्तों मैं इस पर सॉफ्टवेयर चढ़ा रहा हूँ, ये देखिए। और ये देखिए मॉडल नंबर देखिए 3000U है, आईसी नंबर है 2506C है। मैं इस पर डाउनलोड करूँगा, सॉफ्टवेयर अभी चला रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर से जोड़ रखा है। देखिए देखिए वही है, मैंने भी इस पर भी लिखा हुआ है। मैं सॉफ्टवेयर चढ़ा के एक बार देख लेता हूँ। और ये मैं डाउनलोड कर दिया, और ये मेरा सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। फिर से ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसमें सॉफ्टवेयर रीड कर सकते हैं। मेरा ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों।
इसमें से निकाल लूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू है, ये पूरा वाइट हो जाएगा, ये देखिए वाइट हो गया। मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, मैं इसे एक बार चला के देख लेता हूँ। ये मैंने इसे कस दिया दोस्तों, ये देखिए ये दोनों एलईडी जलेगा तो यूएसबी रीड करेगा, जो यूएसबी में रीड कर रहा है। और ये वॉल्यूम है, ये आप देखिए कम हो रहा है और ये ज़्यादा भी हो रहा है, वो आवाज़ आप सुनिएगा। आपने आवाज़ सुना होगा, ये बज रहा है मेरा। ये मैंने आप साउंड कम कर दिया क्योंकि कॉपीराइट हो सकता है। तो ये सेट मेरा देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर चढ़ाया है तो अभी सही काम कर रहा है, रीड भी कर रहा है। मैं इसे भी पूरे फ्रेम में कस के पुल्ली एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये मैंने टाइट कर दिया है, ये मैंने दोस्तों कस दिया है। अभी मैं ऑक्स मोड पे बजा रहा हूँ, ये देखिए अभी मैं आपको ऑक्स मोड पे सुनाता हूँ। देखिए आवाज सुन सकते हैं, ये मैं ऑक्स मोड पर बजा रहा था और मैंने म्यूट कर दिया है अभी। हाँ, और ये मेरा काम कर रहा है। अब मैं पेन ड्राइव भी लगा लेता हूँ, ये देखिए पेन ड्राइव लगाने के लिए मुझे मैंने पेन ड्राइव लगा दिया और यहाँ सोर्स बटन है, मैं इसे दाबूंगा, ये डीवीडी पे आ गया, यूएसबी पर आ गया, ये रेड जल के बुत गया है, कुछ एलईडी में भी प्रॉब्लम है इसके। यूएसबी भी आपने सुना, गाना बज गया, सेट मेरा ओके है दोस्तों। मैंने सेट को टाइट कर दिया है, ये देखिए 3000U है। मैंने सराउंड पर ये बजाया था, मेरा सराउंड सेंटर और फ्रंट और ऊपर दोनों, ये सारा स्पीकर मेरा बज रहा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।